ओम शांति। मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए, उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अनासक्त माना किसी भी मित्र संबंधी से कोई भी आसक्ति ना रहे, कुछ लेने की चाहना ना रहे, उसे कहते हैं अनासक्त। आसक्ति ना हो, अनासक्त भाव माना निस्वार्थ भाव से देते जाएं, पर आसक्ति ना हो कि मेरा इससे ये संबंध है, इनको भी ऐसे हमारे साथ पेश आना चाहिए। जहां ये आसक्ति आती है वहां मोह जरूर होता है, और जहां मोह होता है वहीं पर दुख होता है। कहीं पर भी किसी से भी मोह होगा तो आप उसके कारण दुखी जरूर होंगे। अनासक्त होंगे तो भले अपना फर्ज अदा करेंगे पर दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी क्या जिम्मेवारी है ये तो आप निभा रहे हैं, लेकिन आपसे उनका क्या संबंध है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप वैसे ही फर्ज अदा कर रहे हैं जैसे बाकी सब ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं, वैसे उनके लिए करते हैं। स्पेशल ये नहीं कि ये मेरा मित्र संबंधी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा, तो आ सकती है और फिर मोह होगा, दुख भी होगा, खुद के लिए नहीं होगा तो उनके लिए होगा। कई बार क्या होता है, हम ज्ञान में चलते हैं ना, सेंटर पे जाते हैं तो खुद तो कई विघ्नों से पार हो जाते हैं, कोई मित्र संबंधी हमारा ही उसी जगह पे जाता है, उसके सामने कोई वैसा ही पेपर आता है तो उसके पेपर को देख के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मोह बहुत है। मोह बड़ा खतरनाक होता है, अंदर ही अंदर ऐसे घुन की तरह सब कुछ खत्म कर देता है और पता ही नहीं चलता। इतना भी हल्का सौदा ना समझो इस मोह को। इसलिए अनासक्त भाव जो होता है तो हरेक के लिए एक सम दृष्टि होती है, एक सम भाव होता है। तो ये नहीं होता कि हमारे संबंधी आए हैं अगर बाबा के पास तो उन्हें स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, एक समान दृष्टि होती है। अपने लिए नहीं चाहेंगे, कहेंगे हमारे मित्र संबंधी को आगे आगे करो, आगे आगे करो, और यहीं पर मोह होता है। ईश्वरीय परिवार अलौकिक दृष्टि से अगर आप देखोगे तो हरेक का लेखा जोखा सामने आता है, उस नजर से देख पाना उसके लिए फिर अनासक्त भाव होना चाहिए। फर्ज अदा करो अपना, पर अनासक्त भाव से, और जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि ये मोह के कारण भी कैसे देह अभिमान जन्म लेता है दिखाई नहीं देता है। मेरे इनको नहीं पूछा, इनको नहीं किया, मोह है नंदन, ये मोह अनासक्त बनने नहीं देता, फर्ज अदा करने नहीं देता। ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है, ये सब मोह के कारण होता है, नहीं? बहुत अंदर ही अंदर खत्म करता है और ये भुला देता है कि आपका अपना कौन है, एक बाप दूसरा ना कोई। ये सिर्फ भाषण के लिए रह जाता है ये शब्द, एक बाप दूसरा ना कोई, और प्रैक्टिकल में देखा जाए तो सारे मित्र संबंधी चाहिए और बाबा सेकेंडरी, तो विकर्म बन जाता है। कहां आप फर्ज अदाई कर सकते हो अनासक्त होकर, लेकिन कहां आप फंस जाते हो उनके बीच में, क्या करें, हमारे मित्र संबंधी हैं ऐसे कैसे छोड़ दें। छोड़ने के लिए बाबा ने तो कभी कहा ही नहीं है, भाव बदलने के लिए कहा है। जैसा दृष्टिकोण दूसरी सब आत्माओं के लिए रखते हो वैसा उनके लिए रखो, फर्ज अदा करो पर अनासक्त होके। और अनासक्त मना कोई भी आसक्ति नहीं है, ना किसी के लिए ना किसी से, एक समान दृष्टि है, इसे कहते हैं अनासक्त। अब आप अपने आप से पूछे, हैं ऐसे अनासक्त हम जो हम अपना फर्ज अदा वैसा कर पाए, तो उसके लिए देही अभिमानी अवस्था चाहिए, वो पुरुषार्थ करो।
विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। बाबा ये नहीं कहते कि अपना फर्ज अदा नहीं करो, लेकिन पालन करो और अनासक्त रहो। ओम शांति।